विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं एक और मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी यहां पर उत्साह देखा गया। वहीं सुरक्षा को लेकर दो बूथों पर एक पुलिस वाला ही निगरानी करता हुआ नजर आया। हादसों के डर से क्या मुस्कुराना छोड़ दें और जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें? इस वक्त मौजूद है हम विधानसभा क्रमांक 3, जहां दो ऐसी शख्सियत, जहां एक पुत्र और एक तरफ दूसरा भतीजा इस मैदान में है। ये घमासान पूरे देश की नहीं, पूरे प्रदेश की नज़र इसी सीट पर है कि आने वाले वक्त का नतीजा कौन होगा और इसका सरताज कौन होगा। हम बात करते हैं यहाँ के उन बाशिंदों से, उन लोगों से जो वरिष्ठ नेता रहे और पूर्व पार्षद रहे शकील अंसारी जी से, कि उनकी क्या राय है। शकील जी, आप इस्तेमाल ये क्षेत्र क्रमांक 3 ऐसा है, हमेशा से परंपरागत सीट ये महेश जोशी जी की रही है और यहाँ से 3 बार 4 बार के विधायक अश्विन जोशी जी रहे हैं। ये क्षेत्र और ये वार्ड हमेशा से कांग्रेस का रहा है। यहाँ पर हमेशा कांग्रेस ने हुकूमत की है और हमेशा बगैर किसी भेदभाव के लोगों के साथ भाईचारे से रहे हैं। हमारे वहाँ जो भी कोई बाहरी क्षेत्र से आया है यहाँ पर लड़ने, हमने उसको अपने घर पहुँचाया है। और इस बार भी हम यही करने जा रहे हैं कि जो बाहर से आए, 2 नंबर से आए हैं, जो विधायक यहाँ लड़ रहे हैं, आकाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय, हम उनको उनके वापस उनके क्षेत्र में छोड़ के आएंगे। ऐसा हम सब, हमारे जितने भी वोटर्स हैं यहाँ पर, सब हमारे भाई बहन, सब माताएं बहन, सब हम सब का फैसला है ये कि हम उनको उनको घर पे छोड़ कर आएंगे। बाहुबली बेटे हैं, उनका नाम है, तो उस हिसाब से आप खासकर अंसारी समाज में भी बगावत है, मुन्ना अंसारी भी एक नाम है, उसको लेकर क्या कहें? नहीं, इनका कोई वजूद नहीं है। देखिए, सब जानते हैं, उनको लोगों ने नकार दिया है, ये सब जानते हैं, वोटर्स बता चुके हैं, 2 बार उनको नकारा जा चुका है यहाँ से। और ऐसी कोई बात नहीं है, पर हमारे में कोई आपस में कोई भाईचारे से रहते, कोई झगड़ा नहीं आपस में, अंसारी बिरादरी में, दूसरी बिरादरियों में भी कोई झगड़ा नहीं है। हम सब मिलजुल के एकजुट होकर कांग्रेस को जिताने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जिताएंगे। आने वाले वक्त की सरकार किसकी होगी? आने वाली सरकार इंशाल्लाह कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, ये सब जानते हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये प्रचार हो चुका है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है मध्य प्रदेश। हम आगे और बात करते हैं, आपका क्या कहना है? मैं शकील भाई ने जो बातें कही है उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ, और पिछले 20 सालों का जो मेरा सियासी तजुर्बा है वो ये बताता है कि आने वाला जो आज का पोलिंग है जो चल रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी और दूसरे जो सांप्रदायिक लोग हैं उनको उनके घर पहुँचाने में पूरी तरह से कामयाब होगी। अंसारी जी, जहाँ तक अश्विन जी का सवाल है, अश्विन जी जबान के बड़े बदतमीज नज़र आते हैं, शांत उन्होंने नाम दिया मगर शांत नज़र नहीं आता। नहीं, जबान का क्या मामला है वो अपनी जगह है, लेकिन आदमी जुझारू है, काम करता है और लोगों के क्षेत्र में जाके अच्छे लोगों के जो भी काम है, जो वेलफेयर के काम है वो करता है। जबान से क्या होना है भाई, अपना अपना मिजाज होता है, ये तो कोई जबान का तेज होता है लेकिन काम में भी तो तेज है, ये देखना पड़ेगा। और इसलिए यहाँ की जनता उनको इसलिए पसंद करती है, काम में भी तेज है। जबान ही से दुनिया जीती जाती है, जबान से ही देश आज़ाद हुआ। अगर जबान ना होती और जबान में नरमी ना होती तो रसूल पाक का भी आज इस्लाम नहीं भूलता। भाई देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि अपने अपने मिजाज का सवाल है। कोई अगर तेज बोल के काम करता है तो अपने को बोलने से क्या अच्छा, अगर काम बोलने से तो होता नहीं, बोलने से भी होता है, लेकिन जो काम कर रहा है आदमी एक्टिव होकर क्षेत्र में, जो एक विधायक को करना चाहिए वो अगर काम कर रहा है तो बोलता कुछ भी है उससे क्या फर्क पड़ता है। ये थे शकील अंसारी जो पूर्व पार्षद रहे, इनका ये कहना है जबान कुछ नहीं होती है, उसका अखलाक बोलता है, अखलाक वही जबान। आने वाला वक्त अब बहुत जल्दी तय करेगा कि यहाँ का सुल्तान कौन होगा। कैमरामैन अर्पित शाह के साथ जाहिद खान, दोपहर न्यूज़, इंदौर।